किनेजारो रिएक्शन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जो मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है, बोर्ड हो, जेई हो, नीट हो, जेई एडवांस्ड हो. एंड सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. कुछ कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन दैट इज अगेन वेरी इजिली यू कैन डील विद दैट. सो द आइडिया बिहाइंड दिस किनेजारो रिएक्शन इज, वैसे रिएक्शन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड प्राइमरी रिएक्शन है इसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. दिस इज प्राइमरी रिक्वायरमेंट वी नीड टू रिमेम्बर, देर मस्ट नॉट बी अल्फा हाइड्रोजन. एक और कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है विच इज अनयूजुअल है थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. पुअर लिविंग ग्रुप मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, सो प्लीज मेक श्योर यू शुड रिमेम्बर दिस वन. लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए, इसका जुड़ा हुआ होना चाहिए, सीओ के साथ जो होना चाहिए वो पुअर होना चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए. ठीक, सो दैट ये चीज मैंने क्यों लिखा है, दैट वुड बी क्लियर विद द मैकेनिज्म पार्ट. वो मैकेनिज्म में आपको दिखाई देगा. सो अटैच टू द कार्बनिल कार्बन, टू द कार्बनिल कार्बन, देन वी हैव टू यूज कॉन्क एन ए एच और के एच. याद रखना बच्चों, इसमें जैसे हम लोगों ने एल्डोल में देखा था कि डाइल्यूट था, वहां पर हिंट मिल रहा था, यहाँ पर हिंट के लिए एन ए एच और के ओ एच की हम लोग बात करते हैं. देन फर्दर वी राइट हाइड्राइड डोनेशन इज द आर डी एस. यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम हाइड्राइड का डोनेशन कराते हैं वही हमारा आरडीएस होता है. एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन से जितना बढ़िया हाइड्राइड डोनर होगा उतना ही फास्ट ये रिएक्शन होगा. तो होप यू रिमेम्बर व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. आपको अल्फा हाइड्रोजन याद होगा कि अल्फा हाइड्रोजन वैसा एल्डिहाइड और कीटोन लेना है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो. एंड देयरफॉर सो लेट अस लुक एट इट्स मैकेनिज्म पार्ट, उसी पर हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कशन होगी. एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. नंबर वन, व्हेन आई से मैकेनिज्म, कंसिडरिंग द सिंपलेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, सबसे छोटा एल्डिहाइड, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एल्डिहाइड, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड having no alpha hydrogen, having no alpha hydrogen. So in that case we can see here, यहाँ पे मैं ये दिखाई देता है यहाँ पर कि in this case HCHO is the very best example. ये बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा example है, बहुत ही छोटा सा molecule है, simple सा reaction आपको दिखाई देगा, बहुत ही आसान सा reaction है. Very first would be what, OH minus हमने लिया, इसमें conc KOH है या conc NaOH है, उससे जब रिएक्शन कराते हैं तो पहला स्टेप एज वी अंडरस्टूड, हमने ये देखा हुआ है कि ये एल्डिहाइड है और ये OH माइनस है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होता है. सो वी कैन राइट इट हियर, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव लिखते हैं यहाँ पर, और ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया. चूंकि यह बेस से ही इनिशिएटेड है रिएक्शन, तो पहले ही स्टेप में क्या होगा, यहाँ से OH माइनस का अटैक होगा इस वाले कार्बन पर. जैसे ही यहाँ पर अटैक हुआ फिर इससे क्या बन जाएगा, सो इट वुड बी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एच. इसको हम लोग कुछ ऐसे दिखा सकते हैं इस केस में कि हमने यहाँ पे दिखाया इस तरीके से कि दिस इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एच सी ओ माइनस, यहां से एच और यहाँ पर ओ एच. नाउ अब इसमें दो स्टेप्स हैं, अगेन that we'll discuss it out. इसको हम लोग discussion करेंगे यहाँ से. So here what we can do is we can do it in two ways. One way, one common way जो है, एक common सा तरीका ये है, उसमें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ से the next step would be कुछ ऐसे दिखाते हैं. ये वाला HCHO है, this HCHO, ये H है. अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, If I donate this O minus to this one, अब हमारे पास यहाँ पर ये ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहाँ से किसी एक ग्रुप को जाना है, H minus जाएगा, ये H minus जाएगा या O minus जाएगा, OH जाएगा. And so here it is, this H minus goes out. तो ये मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा था, आई होप यू वुड बी एबल टू कोरिलेट नाउ. यदि यहाँ पर लिविंग ग्रुप अच्छा वाला होगा तो क्या होगा उस केस में, वो लिविंग ग्रुप खुद ही निकल जाएगा. एंड सो दैट शुड नॉट बी देयर, एंड दस दिस एच माइनस इज देयर, जो कि यहाँ पर अटैक होगा, ये चला गया इस साइड, एज ए रिजल्ट एच माइनस निकला यहाँ से. सो एच माइनस, रिमेम्बर दिस, हियर इट इज एच माइनस, इसको आप बढ़िया से याद रखेंगे. सो दिस वन इज एच माइनस, यहाँ से निकलता है. ठीक,
सो इट इज लीडिंग टू, जैसे ये एच माइनस यहाँ पे गया, सो एज अ रिजल्ट यहाँ से बनेगा क्या, बनने वाली जो स्पीसीज होगी वो हो जाएगा, यहाँ से पहले स्टेप पे हम लोग ये ऐसे बना सकते हैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ एच आ गया, और यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस एच सी ओ माइनस एच, और ये वाला एच यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं इसमें कि इंट्रा मॉलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर होता है, IMPT, IMPT इंट्रा मॉलिकुलर और इंटर मॉलिकुलर, इन दिस केस इंटर मॉलिकुलर है, प्रोटोन ट्रांसफर, इंटर मॉलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर, इंटर मॉलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर, नोट कर लेना इसको, इंटर मॉलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर है, यानी प्रोटोन का एक्सचेंज है, ये H प्लस है यहाँ से, ये O माइनस है, तो दिस O माइनस इज टेकिंग आउट दिस प्रोटोन, सो एज ए रिजल्ट यहाँ से क्या बन जाएगा, सो जो बनने वाली स्पीसीज होंगी दैट वुड बी लाइक दिस वन, HCOO माइनस प्लस CH3OH, CH3OH, सो इन अ वे वी कैन सी, यदि मैं इन आइसोलेशन यदि मैं इस रिएक्शन को देखूं तो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि HCHO फॉर्मल्डिहाइड से, सो द रिएक्शन इज लाइक दिस वन, बच्चों ध्यान से सुनना और समझना इसको, कि फॉर्मल्डिहाइड से हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड से बना है एक फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब जो कि एसिड का सॉल्ट है, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है, फ्रॉम फॉर्मिक एसिड से ये बना है फॉर्मिक एसिड, एंड दिस प्लस दूसरा क्या बना है हमारे पास, मिथेनॉल, मिथेनॉल, सो वी कैन से इन अ वे लाइक दिस, ये फॉर्मल्डिहाइड का यदि मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनता है, और रिडक्शन करूंगा तो क्या बनता है, मिथेनॉल बनता है। सो पहली बात जो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन है, सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, यू मस्ट रिमेम्बर दैट इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है ये वाला। दूसरी बात इसमें क्या हुआ है, चूंकि हमारे पास एक ही तरह का ये वाला था, सो वी कैन से सेल्फ के नजारों की हम बात कर सकते हैं कि आपस में ही हो रहा है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब एक ही तरह का मॉलिक्यूल है इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसी का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और इसी का रिडक्शन भी हुआ है, जब एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो वो क्या कहलाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है, एंड सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स में भी कौन सा, डिसप्रोपोर्शनेशन है ये, डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन, यहां से हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, सो फॉर्मल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्क NaOH और कॉन्क KOH इट इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड मिथेनॉल व्हिच इज यू कैन से इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन है और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। जो दो स्टेप्स हुए हैं, पहला स्टेप में क्या था, स्टोरी बनाने के लिए हम क्या कहेंगे इसमें कि हमने मिथेनॉल लिया, फॉर्मल्डिहाइड है यानी मिथेनॉल लिया, मिथेनॉल में आपने OH माइनस डाला, दैट इज वेरी फर्स्ट स्टेप, इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये H माइनस है, तो H माइनस का जो ट्रांसफर हुआ वो क्या होगा, बहुत ही मुश्किल है, एंड देयरफॉर वी आर सीइंग दिस वन इज स्लो एंड आरडीएस, सो दिस वन इज स्लो एंड आरडीएस, इसीलिए कहते हैं ये वाला स्लो और आरडीएस होता है यहाँ पर, एंड सो जितना बढ़िया हाइड्राइड डोनर होगा उतना ही डेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा, हाइड्राइड डोनर यानी एच माइनस निकलना चाहिए बच्चों, यहाँ पर एच माइनस को निकलने के लिए क्या सिचुएशन चाहिए, दैट वी नीड टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा उसके बारे में, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप देयर इज प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन है, सो फाइनली वी हैव गॉट दिस इज फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज मिथेनॉल, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। विल सी टू दिस विद सम मोर एग्जांपल, इफ यू हैव जस्ट एनी कंफ्यूजन एनी डाउट प्लीज आस्क। सो इफ आई वुड हैव टेकन दिस थ्री एग्जांपल्स, मैंने यहाँ पे तीन एग्जांपल्स लिखा है, पहला है PHCHO conc NaOH एंड सो दिस इज लीडिंग टू PHCOO माइनस एंड PHCH2OH, दिस इज द प्रोडक्ट एज प्रेडिक्टेड, इसमें कोई दूसरे ऑप्शन की कोई बात ही नहीं है, सो दिस इज करेक्ट वन, ये वाला ऐसे बन जाएगा। व्हेन इट कम्स टू द मिक्स्ड एल्डिहाइड्स, जिसमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें याद रखना होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने
इसमें मतलब एल्डोल में कहा था कि ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, सो वी कैन से दिस इज योर, कैसा हो गया, अलग मॉलिक्यूल है, इंटरमॉलिक्यूलर तो है ही, साथ साथ ये क्रॉस भी है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, सो वी आर कॉलिंग दिस एज क्रॉस कनिजारो प्रोडक्ट बनेगा इसमें। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इन दिस केस यहाँ पर आप करोगे कोशिश तो इसमें आपको सेल्फ वाला दिखेगा, एंड सो लेट अस लुक एट दिस वन, इंट्रामोलिकुलर बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इन द वेरी फर्स्ट केस की बात करूं, जब हमने बेंजल डिहाइड लिया है, पीएच सी एच ओ लिया है, तब क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो हाउ दिस वुड हैव हैपेंड, कैसे ये रिएक्शन हुआ होगा, उसी के बारे में हमारी डिस्कशन है आगे। एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन सी हियर, यहाँ से हम ये देख सकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस पी एच सी एच ओ वुड हैव बीन फॉर्मिंग पी एच सी ओ माइनस एंड पी एच सी एच टू ओ एच। सो व्हेन आई हैव टेकन दिस वन पी एच सी एच ओ यानी फिनाइल, और ये सी एच ओ है, बेंजल डिहाइड हमने ले रखा है यहाँ पर, कॉन्क एन ए एच डाला, ओ एच माइनस डाला हमने यहाँ पर, अगेन थिंग विल गो लाइक दिस, ये वाला गया इधर, एंड सो इट इज लीडिंग टू पी एच सी ओ माइनस, यहाँ पर हमारे पास ओ एच आ गया, ये एच है, अनदर मॉलिक्यूल लिया हमने यहाँ पर एच सी डबल बॉन्ड ओ और ये पी एच कर दिया, तो यहाँ से ओ माइनस इज फॉर्मिंग बॉन्ड, ये एच गया यहाँ पर, ये चला गया इस साइड, सो दिस इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ से क्या बना देगा, सो दिस एच फॉर्मिंग पी एच सी ओ ओ एच प्लस पी एच सी एच टू ओ माइनस। नाउ आई एम पी टी यानी यहाँ से हमने प्रोटोन ट्रांसफर करा दिया, एंड सो वॉट वी हैव गॉट, यहाँ से क्या बन जाएगा, पी एच सी ओ ओ माइनस प्लस पी एच सी एच टू ओ एच, दिस इज वॉट वी हैव रिटन, यही हमने लिखा था, एंड सो वी हैव गॉट इट करेक्टली। सो दिस इज अगेन आई वी कैन से दिस वन इज अगेन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर फिर से क्या हो गया, फिर से दोबारा से ये जो बेंजल डिहाइड था इसी का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है और इसी का ये रिडक्शन प्रोडक्ट है, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एंड दिस इज रिडक्शन प्रोडक्ट, ये वाला बन गया, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल बन गया यहाँ से। नाउ द सेकेंड वन, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है दिस इज अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है, अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसको ढंग से हमें सीखने की जरूरत है और इसको एनालाइज करने की भी जरूरत है, बिकॉज नाउ वी हैव पी एच सी एच ओ अलग अलग तरह के मिल गया मुझे, जो हमने इसमें अलग तरह का एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड ले लिया हमने यहाँ पर। सो इन दैट केस अब जो सबसे पहला टास्क हमारे पास ये आता है कि भाई हम लोग ये जो ओ एच माइनस है हमारा, उसका अटैक होगा कहाँ पर। सो एज वी हैव अंडरस्टूड अर्लियर, जब हम जनरल मैकेनिज्म की हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पर हमने ये देखा था कि वैसा एल्डिहाइड जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो या जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम हो, उस पर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है उसका ज्यादा होता है, एंड देयरफॉर आउट ऑफ दीज टू पी एच सी एच ओ एंड एच सी एच ओ में हमने ये देखा हुआ था कि जो एच सी एच ओ है फॉर्मल्डिहाइड है, मिथेनॉल है, वो स्मॉलर एल्डिहाइड है, therefore OH- का जो अटैक होगा वो उसके ऊपर आसान सा होगा, एंड सो इट विल गो लाइक दिस, यानी ये कुछ इस तरह से ये चेंज होगा, और जब ये ऐसे चेंज होगा इसका मतलब क्या हो गया, सो द प्रोडक्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट हियर इज, हमारे पास क्या बच गया, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच है इधर, और यहाँ से बनने वाला क्या होगा, एच सी ओ माइनस, यहाँ पर ये एच और यहाँ पर ये ओ एच, नाउ दिस ओ माइनस इज अटैकिंग ऑन दिस, ये H माइनस गया यहाँ पर, ये चला गया इस साइड, सो एज अ रिजल्ट व्हाट यू विल हैव नाउ, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सो दिस इज लीडिंग टू पी एच सी एच टू ओ माइनस प्लस एच सी ओ ओ एच, देन अगेन आई एम पी टी हमने करा दिया, इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर, सो दिस इज लीडिंग टू पी एच सी एच टू ओ एच प्लस एच सी ओ ओ माइनस। अब देखो बच्चों, दिस इज स्टिल अ रेडॉक्स रिएक्शन, पक्का गारंटीड है ये वाला हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, अ रेडॉक्स रिएक्शन, बट माय क्वेश्चन हियर इज दिस अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इज दिस अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यस और नो, आंसर हमारा क्या होगा, लेट अस वी हैव टू एक्सप्लोर दिस। This reaction is not a disproportionation reaction because in this case, what has happened?
यहाँ हुआ ये है कि PHCHO का रिडक्शन हुआ है और HCHO का ऑक्सीडेशन हुआ है, एंड सो इफेक्टिवली वी कैन से डिफरेंट जो चीजें हैं उनका, डिफरेंट चीजों का यहाँ पर क्या हो रहा है उस केस में, हमारे पास अलग अलग से यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है. सो दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हम लोग नहीं कह सकते. इस बात का हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन मिस्टेकनली, कई बार गलती से लोग हम ये पढ़ लेते हैं या हमें पढ़ा दिया जाता है कि कैनिजारो रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट ऑलवेज. सो मेक श्योर यू मस्ट राइट इट, दिस इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑलवेज, रिएक्शन ऑलवेज. सो व्हाट वी डू देन, इसमें इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो थर्ड वाला था हमारे पास, दिस इज अगेन बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है, अगेन बहुत ही सुंदर सा है. एंड सो थर्ड एग्जाम्पल इज दिस वन, लाइक एच सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ और एच. कुछ नहीं करना है यहाँ पर, फंडामेंटली वही प्रोसेस है. पहले स्टेप में ओ एच माइनस का अटैक, देन सेकेंड स्टेप में ये ओ माइनस चला गया यहाँ पर. So it is leading to formation of H C double bond O C. यहाँ पर ये H लिख लिया, ये वाला O H लिख लिया, यहाँ पर ये हमारे पास H है. Now sorry, O minus है, not H. This is O minus. And when we have this O minus, now this O minus is coming to this one. H minus intramolecularly यहाँ पे transfer हुआ. And so this is leading to what? यहाँ से क्या बन जाएगा? So it is leading to HC, then it is O minus, then यहाँ पर ये H आ गया, then ये C है, then double bond O आ गया और ये OH है. Now IMPT करा दो इसमें भी, तो IMPT करा दिया. So it is the product that is formed here H, again like this one H C H O H, यहाँ पर ये वाला हमारे पास H है. Now this is COO minus, ये वाला बन गया. So from this we can say that this is another example जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला हमारे पास intramolecularly ये reaction हो गया किनेजारों में. So these are some basic examples हैं जो हमने यहाँ पर अभी consider किया है. जो mechanism मैंने यहाँ पे कहा था, एक मैंने यहाँ पर question mark लगाया था इस जगह पर, ये वाला. So I was expecting a question. वैसे आप लोगों ने तो खैर नहीं पूछा, बट आई एम जस्ट आस्किंग, आई हैव अ क्वेरी हियर. वो जनरल आप थोड़ा सोच रहे हैं इसके बारे में, एंड देन विल इलैबोरेट दिस फर्दर, इसके बारे में और हम लोग बात करेंगे एंड विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट दिस वन. अब यहाँ से जैसे अभी तक जो भी हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है उसमें तो हमने हर हमेशा यही बात की है कि लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो कौन से बेहतर लिविंग ग्रुप होते हैं, जो कि अच्छा हमारा क्या हो, एसिड हो या पुअर बेस्ड हो. जितना पुअर बेस होगा, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा. सो यू शुड हैव आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन हियर. आपको यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहिए था, दैट वाज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट नन ऑफ यू हैव आस्क्ड. सो आई एम जस्ट फीडिंग इट, मैं थोड़ा सा फीड कर रहा हूँ इसको, आप थोड़ा सा सोचना और ये पढ़ के आना, पीटर साइक्स में से थोड़ा सा इसको देखना, पढ़ के आना, और देन विल इलैबोरेट. अगली क्लास में मैं इसके बारे में और डिस्क्राइब करूंगा. सो हियर इन दिस केस, यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ से क्या हुआ कि O माइनस जब बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर मैंने ये तो बोला था, एक हिंट मैंने दिया था, हिंट ये दिया था कि लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए. तो चलो ये बात तो समझ में आ गई कि अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पर होगा तो फिर वही चला जाएगा. लेकिन आउट ऑफ एच एंड ओ एच माइनस, थिंक अबाउट इट कि एच माइनस और ओ एच माइनस में स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है और कौन सा बढ़िया लिविंग ग्रुप है, किसको लीव करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन. I am leaving it to you all, आप लोगों के लिए सोचने के लिए हमने रख दे दिया है. इसको सोचना, समझना, अप्लाई करना, फिर हम लोग इसके जवाब के साथ हाजिर होंगे अगली क्लास में, बाहर डिस्कशन करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स आएंगे लेंगे हम लोग, और कुछ जेई पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे. सो द क्वेश्चन इज वॉट, मेरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ एच माइनस एंड ओ एच माइनस, वाई हैज एच माइनस लेफ्ट, एच माइनस क्यों लेफ्ट करता है, क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, कैसे ये हो जाता है,
सो ऑल दैट वी वुड बी एक्सप्लोरिंग। डेफिनेटली जो बेसिक चीजों की हम लोग बात कर रहे थे इसमें, कि बेसिक मैकेनिज्म जो है कि इसमें ओएच माइनस अट्रैक होता है, हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है, फिर हमारे पास एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है और एक रिड्यूस प्रोडक्ट बनता है, ये बहुत ही फंडामेंटल सी बातें थी जो हमने यहाँ पे किया है। और ये तीनों कॉमन से एग्जाम्पल है वो भी हमने देखा है। यहाँ पर आप एक छोटी सी बात कंक्लूड कर सकते हो कि नॉर्मल कंडीशन में इन जनरल हम लोग ये कह सकते हैं, इन जनरल स्मॉलर का क्या होता है, इन जनरल वी कैन राइट हियर स्मॉलर का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, स्मॉलर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और जो लार्जर होता है, बल्कियर होता है, उसका रिडक्शन प्रोडक्ट बनता है। बट अगेन डोंट मेक इट एज अ फॉर्मूला, मत बना लेना इसको कि यही वाला हमने सर ने बताया था और ये फॉर्मूला बन गया, नथिंग लाइक दैट। ये कॉमन केसेज में है, यदि कोई वेरिएशन हमने कर दिया तो फिर वो अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। सो प्रोडक्ट ये बनता है यहाँ पर। इन जनरल हमें ये याद रख लेना है कि यदि कोई वेरिएशन नहीं है तो स्मॉलर वाले का एसिड और जो हमारे पास बड़ा वाला है उसका एल्कोहल बन जाएगा, जो हमने यहाँ पे जिसको टिक कर रखा है, ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट बना था। सो दिस इज ऑल अबाउट किनेजारो रिएक्शन। विल कंटिन्यू विद दिस विद सम मोर एग्जांपल। इंट्रा मॉलिक्यूलर देख लिया, सेल्फ किनेजारो देख लिया, सारा हमने देख ही लिया यहाँ से। सो इस पे हम खत्म करते हैं क्लास को। विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास।